हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू द माय अनदर ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं इस बुलेट का एग्जॉस्ट बैठाने के लिए और आपको दिखाएंगे एग्जॉस्ट का साउंड वगैरह। एग्जॉस्ट का नाम है शॉर्ट बटल बोल के। और इस वीडियो को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। कई लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे, जाके उन लोगों को बोल रहा हूँ प्लीज़ गाइस लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए क्योंकि मेरा 1K होने वाला है। 1K हो गया तो मेरा वॉच और टाइम तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन 1K सब्सक्राइबर नहीं है, उसके लिए बोल रहा हूँ। प्लीज़ गाइस प्लीज़ जाके कैसे भी करके 1K कर दीजिए प्लीज़। और इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो ड्यूक पे होगा शायद। वो भाई बोल रहा है मैं आऊँगा बोल के, वो आया तो नेक्स्ट वीडियो ड्यूक पे होगा। और भी अच्छे अच्छे बाइक पे कंटेंट लाऊँगा मैं, उसके लिए बोल रहा हूँ 1K कर दीजिए पटाख से। उसके बाद मेरा चैनल भी मोनिटाइज हो जाएगा, उसके लिए बोल रहा हूँ। और आपको जाके मिलते हैं फ़िलहाल में तो बापिली क्रॉस, नहीं तो अभी तो आप रोड, आप लोगों ने तो ये रोड देखा ही होगा, ऐसा नॉर्मली वीडियो आएगा आपको डेली देखा हुआ वैसे। और मैंने और एक भाई की से बात भी कर ली है क्योंकि उसके पास H2 और शायद BMW GSA और सुपर बाइक से, वो भी दिखाऊंगा हायाबुसा वगैरह। और मैं वो भी कंटेंट लाऊंगा। आप लोगों ने 1K कर दिया तो वो कंटेंट लाऊंगा मैं जल्दी से जाके 1K कर दीजिएगा इस प्लीज़। और यहाँ पे दिखाने के लायक तो कुछ नहीं बचा है क्योंकि मैंने सब जगह जाके विज़िट कर दी है। उसके लिए अभी और कुछ दिखाऊंगा, मतलब बैक वाटर बोल के वहाँ पे पिचिंग एक दिखाऊंगा, उसके बाद वो कुछ नहीं और कुछ है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मुझे लगा तब से गोप्रो ऑन रहेगा, देखे तो गोप्रो ऑफ हो गया था। मेरे पीछे बैठे से वो बोला कि गोप्रो ऑफ है, वो ठहर के वही चेक किया, उसके लिए बीच में के फुटेजेस नहीं आए। और आज आगे जाके वो बीच में कैसे गया कि बंद हो रहा है, मुझे लगता है स्टोरेज फुल हुआ है, उसके लिए हो रहा होगा। और ये देखो ये नागोड़ा क्रॉस बोल के गांव, और यहाँ से तो आपने पहले वीडियो में देखा होगा बैक वाटर। और आगे से भी है, पिचिंग मिलता है वहाँ से, वो भी एक दिन कंटेंट लाऊंगा। मेरे लिए तो कंटेंट ढूंढने के लिए तो बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि यहाँ कुछ दिखाने के लायक नहीं है। सिटी में रहे तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हाईवे पे भी ब्लॉग बना सकते हैं, यहाँ पे सब जगह एक ही दिखता है। तो भी मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कंटेंट लाने की। और मैं अभी फ़िलहाल में जाके ही मिलता हूँ आपको। एक कुछ बड़ा वीडियो नहीं होगा उतना बड़ा, एक 4-5 मिनट्स का ही होगा, मैं ऐसे ही बनाया हूँ ये आपको साइलेंसर फिटिंग वगैरह दिखाने के लिए। और यहाँ पे आगे जाके और एक यहाँ पे ये हुआ था क्या, लैंड स्लाइडिंग बारिश के टाइम में, वो भी दिखाऊंगा आपको मिलेगा। तो गाइस जाके पटक से कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो में हायाबुसा और H2 दिखाओ या क्या करो बोल के। और भी उस वो भाई के पास सुपर बाइक से, वो उन आपको दिखाऊंगा पूरे सुपर बाइक्स नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बोले तो कमेंट में जाके बोलो और 1K सब्सक्राइबर्स कर दो प्लीज़, कैसे भी करके। इतना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1K हो जाए। मेरा वॉच ओवर टाइम तो कंप्लीट हो गया है लेकिन सब्सक्राइबर ही नहीं मिल रहे। और यहीं पे थोड़े नीचे जाने के बाद लैंडस्लाइड हुआ था, दिखाता हूँ चलो आपको आगे। और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा मैं, अभी वो KTM पे आए तो वो भी लाऊंगा। ये देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था इस तरफ, उसके लिए आधा रोड ही चालू है। और आगे जाके डायरेक्ट साइलेंसर फिटिंग में दिखाते हैं चलो। ये कुछ नहीं बैठ रहा था, उसके लिए जुगाड़ कर रहे हैं हम लोग इसे, वो पाइप वगैरह कट करके उसे साइलेंसर बैठाने के लायक कर रहे हैं। देखो भैया हमारे कितने अच्छे है, जुगाड़ करके ही बनाते हैं सब यहाँ पे। वो पाइप कटिंग करके अभी उसे अंदर से कर रहे हैं क्या, होल कुछ डाल रहे हैं वो, क्योंकि मेरी BS4 है ना, वो साइलेंसर BS3 का था शायद, उसके लिए नहीं बैठ रहा। गाइस एग्जॉस्ट की फिटिंग हो रही है, देखो फुल्ली अभी तबाही होने वाली है। चलो आपको डायरेक्ट एग्जॉस्ट की साउंड